हेलो एवरीवन, मायसेल्फ प्रमोद ढाका और मेरे साथ हैं निशान सर। हेलो बच्चों, तो लास्ट सेशन में हमने रे ऑप्टिक्स फर्स्ट डील किया था। ये हमारी जेई की 29th गुरु नीति है। अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट सिलेबस जो है रे ऑप्टिक्स का, फर्स्ट वाले में हाफ था, सेकंड वाले में बचा हुआ हम कवर करने वाले, तो वो अपन कवर करेंगे। टोटल हमने इसमें 25 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर जेई से भी लिए गए, ताकि आपको एग्जाम का प्रॉपर आइडिया हो कि एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा क्या जाता है। तो चलिए स्टार्ट करें सर। बिल्कुल। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया कि इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम ऑफ अ प्रिज्म इज सी एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, देन देयर विल बी नो इमर्जेंट रे। वेल, देखो इसमें कि किसी भी प्रिज्म पे आप किसी भी एंगल पर रे इंसिडेंट करो, दूसरे वाले फेस से रे अपने पास इमर्ज नहीं होनी चाहिए। तो मैं भी यहां से बात करना चाहूं, देखो सेकंड वाले फेस से जब रे इमर्ज होती है, तो सेकंड वाले फेस से हम ये चाहते हैं कि यदि इमर्जेंस चाहिए तो एंगल क्रिटिकल एंगल से स्मॉल होना चाहिए। तो यदि इस वाले सरफेस पर एंगल स्मॉल चाहिए, तो इस वाली सरफेस पर एंगल जो है वो एज लार्ज एज पॉसिबल चाहिए। और यदि ऐसा हो गया कि उस लार्जेस्ट एंगल के लिए भी और यहां पर स्मॉलेस्ट एंगल के लिए भी रे इमर्ज नहीं हो रही है, तो कोई भी इमर्जेंट रे नहीं होगी। मतलब सबसे पहले मैं इस वाले फेस पर बात करूं, तो यहां लार्जेस्ट चाहिए, तो इंसिडेंस एंगल भी लार्जेस्ट चाहिए। तो हमने कहा जी सर चलिए ग्रेजिंग इंसिडेंस लेकर बात कर लेते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज 90 डिग्री। तो यहां से जो रे जाएगी इस सरफेस पर, ये वाला एंगल जो है ये क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा। ये मेरा प्रिज्म एंगल ए, तो यहां वाला जो एंगल है वो ए माइनस सी होगा। हमें ये पता है कि आर वन प्लस आर टू की वैल्यू जो है वो ए होती है, तो आर वन यदि लार्जेस्ट है तो आर टू जो है वो लोएस्ट मिनिमम वैल्यू होगी। तो आर टू की मिनिमम वैल्यू ए माइनस सी है, एंड इफ दिस ए माइनस सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी, यदि ये ए माइनस सी भी ग्रेटर देन सी आ जाता है, तो कोई भी रे फिर इमर्ज कर ही नहीं पाएगी। तो हमारा यदि प्रिज्म एंगल ग्रेटर देन टू टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल है, यदि प्रिज्म एंगल ग्रेटर देन टू टाइम्स ऑफ क्रिटिकल एंगल है, तो कोई भी रे प्रिज्म से किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इमर्ज नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड वन है। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन जो है हाल ही में 2019 में एग्जाम आया हुआ है, क्या बोला है इसमें, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन अ सरफेस ऑफ प्रिज्म एंगल ए। एक स्मॉल प्रिज्म बोला है जिसका स्मॉल प्रिज्म एंगल ए, इस पर एक रे आई इंसिडेंस एंगल पर स्ट्राइक कर रही है। आगे क्या बोला है, इमर्जिंग नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, और अपोजिट सरफेस से नॉर्मल के अलोंग ये इमर्ज कर। अब यहां पर नॉर्मल के अलोंग अगर ये इमर्ज कर रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, ए, क्योंकि अभी भी सर ने बताया आर वन आर टू का सम कितना होता है, एक इक्वल होता है, तो ये जीरो तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए पूछा है कि आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होगी। तो इस सरफेस पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दें, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो वन साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, पर आर की वैल्यू है ए। ठीक है, अब एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो स्मॉल बोला गया है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर स्मॉल है यहां पर ए, तो आई भी स्मॉल रहा होगा, तो साइन आई को मैं आई लिख सकता हूं और साइन ए को ए लिख सकता हूं। तो इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर थर्ड। ठीक, चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री। थर्ड में बोला जा रहा है दैट अ प्रिज्म हैविंग एन अपेक्स एंगल ऑफ 4 डिग्री एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 is located in front of a vertical plane mirror shown, a horizontal ray of light is incident on this prism, the total angle through which the ray is deviated is। देखो एक तो ये जो एंगल मेरे को दिया गया ना 4 डिग्री, ये प्रिज्म एंगल बहुत स्मॉल है, तो यदि प्रिज्म एंगल बहुत स्मॉल होता है उस कंडीशन सर ने स्पेस पे मूव करना, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू जो होती है दैट इज म्यू माइनस 1 इनटू में ए। कि यदि प्रिज्म एंगल स्मॉल है तो अप्रोक्सीमेटेड डेविएशन एंगल की वैल्यू ये होती है। तो हमारे केस में जो प्रिज्म से डेविएशन जनरेट हो रहा है
that is 1.5 minus 1 into 4 degree, that value is 2 degree. अब सिचुएशन कुछ इस टाइप की है कि यहां अपने पास वो प्रिज्म है जिस पर रे हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक कर रही है, तो ऑब्वियसली रे जब यहां से इमर्ज होगी तो इसका जो एंगुलर डेविएशन है, दिस इज द एंगुलर डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। उसके बाद ये रे आगे जाकर एक प्लेन मिरर पर स्ट्राइक कर रही है। यदि प्लेन मिरर पर स्ट्राइक कर रही है, ये डेल पी है तो ये वाला भी डेल पी होगा। रे जो है वो प्लेन मिरर पर जितने एंगल पर स्ट्राइक करती है उतने एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट होती है, मतलब ये वाला जो है ये भी डेल पी होगा। तो ये जो है दिस इज द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर, और इसकी वैल्यू मेरे पास पाई माइनस टू टाइम्स ऑफ डेल पी के इक्वल आई। यदि मैं टोटल डेविएशन की बात करूं, देखो प्रिज्म का डेविएशन भी क्लॉकवाइज है और मिरर का डेविएशन भी क्लॉकवाइज है, तो टोटल डेविएशन विल बी द समेशन ऑफ डेल प्रिज्म प्लस डेल मिरर, दैट इज डेल पी प्लस पाई माइनस टू टाइम्स ऑफ डेल पी, दैट वैल्यू कम्स एज पाई माइनस डेल पी एंड दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब डेल पी की जो वैल्यू है वो अपन ने 2 डिग्री रखी है, तो वैसे पाई रेडियन है, डिग्री में बात करेंगे तो 180 माइनस 2 दैट वैल्यू कम्स एज 178 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर की यदि अपन बात करें देन सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है a beam of light consisting of red, green and blue colors is incident on a right angle prism. The refractive indices of materials for different colors given है हमें, तो पूछा है कि कौन सी रेज जो है वो आगे इमर्ज होगी, सेपरेट होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास प्रिज्म दिया है ये एंगल 45 और यहां ये एक बीम आई है लाइट जिसमें थ्री डिफरेंट वेवलेंथ्स अवेलेबल। अब इस सरफेस पर अगर मैं देखूं तो नॉर्मल इंसिडेंस है, तो आई की वैल्यू वो जीरो, तो आर की वैल्यू वो जीरो हो जाएगी, बिना डेविएट हुए पास हो जाएगी। हमें जो है इस सेकंड सरफेस पर देखना है टी आई आर होगा या नहीं। ठीक है, तो मैं टी आई आर की कंडीशन फाइंड कर लेता हूं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई अगर इस सरफेस के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, आई अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ हमारे पास तो टी आई आर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो ये 45 है तो ये भी 45, ये भी 45 हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री की वैल्यू ये ग्रेटर देन होनी चाहिए सी से। दोनों तरफ अगर साइन ले लिया जाए तो साइन 45 की वैल्यू ग्रेटर देन साइन सी होना चाहिए, तो यहाँ से रिलेशन आएगा 1/√2 ग्रेटर देन, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अगर म्यू अज्यूम कर लिया जाए तो साइन सी की वैल्यू हो जाएगी 1/μ, तो म्यू ग्रेटर देन रूट टू या बोल दो म्यू ग्रेटर देन 1.414। तो जिन कलर्स के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.414 से ज्यादा होगा उनका तो टी आई आर होगा, और जिनका इनसे कम होगा वो सेकंड सरफेस से इमर्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहां पर रेड कलर का जो हमारे पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वही 1.414 से कम है, बाकी दोनों का इससे ज्यादा है, मतलब बाकी दोनों का क्या हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा और ये रेड कलर जो है वो इमर्ज कर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं फाइनली यहां से केवल रेड कलर जी है, रेड कलर ही इमर्ज करने वाला है, और बाकी दोनों कलर का टी आई आर होने से आई पर आए थे तो आई इक्वल टू आर से आई पर ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो ये दोनों कलर तो मिक्स्ड होंगे और रेड कलर इनसे सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेपरेट द रेड कलर फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Five में कह रहा था कि beam of diameter d is incident on a glass hemisphere as shown. If the radius of curvature of the hemisphere is very large in comparison to d, the diameter of the beam at the base of a hemisphere will be. मतलब situation कुछ इस type की है कि यहाँ पर अपने पास एक hemispherical surface रखी है और इधर से एक light beam आ रही है, मैं उसके radius की बात कर लेता हूँ, तो इसकी radius ये जो अपने पास आ रही है that is coming as d/2। ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट से आ रहा है और कर्व सरफेस पर रिफ्रेक्शन हो रहा है और रेज जो है वो पैरेक्सियल रेज है। इस पर ध्यान रखने वाली बात है ना, चलिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, एक दफा जब डायमीटर बहुत लेसर होता है, एक दफा जब डायमीटर लार्जर होता है, मतलब डायमीटर इज नॉट लेसर इन कंपेरिजन टू द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो
तो उस केस में अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वाले तरीके से करेंगे, और इस वाले केस में अपन डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। कर्व सरफेस के रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। म्यू टू इज थ्री बाई टू वी माइनस म्यू वन इज वन एंड रे इज कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट, सो इट इज माइनस इनफाइनाइट, दैट वैल्यू इज थ्री बाई टू माइनस वन डिवाइडेड बाई आर। यहां से सोल्व करने पर 3 बाई टू वी की वैल्यू जो है वो 1 बाय 2R के इक्वल आ रही है, मतलब V जो है वो मेरा 3R के इक्वल आ रहा है। अब समझना जरा बात को, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में यदि मैं बात करता हूं तो यहां वाली जो रे है, हेमिस्फेरिकल सरफेस को भूल जाओ, यहां वाली जो रे है वो रे नीचे जाकर यहां से 3R डिस्टेंस पर एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट से 3R डिस्टेंस पर मिलनी चाहिए, लेकिन नीचे तो प्लेन सरफेस है अपने पास, तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, मतलब यहां तक पहुंचेगी तो ये जो पोर्शन होगा, सिमिलरली जो इधर से रे आ रही होगी उसकी वजह से भी ऐसा पोर्शन होगा, तो नीचे अपने पास एक सर्कुलर पोर्शन मिलेगा, हमें उस सर्कुलर पोर्शन का रेडियस या डायमीटर जो भी कैलकुलेट करना है। तो चलिए अपन इस सर्कुलर पोर्शन की रेडियस को स्मॉल आर कह देते हैं। देखो ये टोटल डिस्टेंस 3R, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर, तो ये वाली डिस्टेंस 2R। लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो एक लार्जर ट्राइंगल और एक स्मॉलर ट्राइंगल उसमें टेन थीटा की वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं, तो हियर दिस वैल्यू इज आर अपॉन टू आर इज इक्वल टू डी बाई टू इंटू में थ्री आर, तो स्मॉल आर की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट इज डी बाई थ्री, मतलब बेस पर जो रेडियस होगी वो डी बाई थ्री की होगी, तो डायमीटर की बात करेंगे तो टू डी बाई थ्री। तो क्वेश्चन में डायमीटर पूछा गया है, सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। चलिए सर आगे बढ़ाएं बात को, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन में बोला है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस f / 2 फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस देन इमेज विल बी, ठीक है कि ये कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ f है और इसके सामने यहां एक ऑब्जेक्ट है जिसको f / 2 पर प्लेस किया गया। अब ये कॉन्वेक्स है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसके लिए फोकल लेंथ प्लस में लें, यू की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एफ बाई टू। अब हमें इमेज की सारी चीजें बतानी है कि इमेज जो है वो इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, लार्ज किस साइज की और पोजीशन क्या होगी, इन सब के बारे में बात करनी है। तो पोजीशन सबसे पहले मैं लेंस फॉर्मूला से फाइंड कर लेता हूँ, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू वन बाई एफ, तो यू इज माइनस एफ बाई टू एंड फोकल लेंथ इज एफ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एफ माइनस 2 बाई एफ, तो यहां से 1 अपॉन वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाई एफ, मतलब वी आ जाएगा माइनस एफ। तो इमेज जो है वो लेंस के ही सामने यहां एफ पर बनेगी, ठीक है, इमेज की पोजीशन हो जाएगी इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट पोजीशन एफ, क्लियर। अब मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस के लिए, v अपॉन यू, v की वैल्यू माइनस एफ, u की वैल्यू माइनस एफ बाई टू, तो मैग्निफिकेशन आ गया प्लस का। अब मैग्निफिकेशन प्लस आने का मतलब है कि एक तो इमेज जो है वो इरेक्ट होगी और यहां पर डबल साइज की होगी, तो ये अगर एस्ट्रोनॉट साइज का ऑब्जेक्ट है तो इमेज की साइज हो जाएगी हमारे पास 2h, ठीक है। ऑप्शन देखें जरा क्या बोला है, इमेज इज एट 3/2f, नो एट वन ऑफ द फोकस वर्चुअल एंड डबल साइड, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इमेज जो है एफ पर बनी है, वर्चुअल है, ठीक है, और साथ में डबल साइज की है। और वर्चुअल का पता कैसे चला हमारे पास, तो वैसे स्पेशल केस भी है, याद भी रखते हैं स्टैंडर्ड केसेस में, बाकी रेडाइग्राम से भी देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है यहां से इससे जो रे निकलेगी ये इधर कन्वर्ट हो जाएगी फोकस पर, और ये जो रे है जो ऑप्टिकल सेंटर पे आई है ये हमारे पास विदाउट डेविएशन के पास हो जाएगी। अब ये रे इधर तो कहीं कन्वर्ट करने वाली नहीं है, तो पीछे हमको इनको एक्सटेंड कराना पड़ेगा, तो ये इस पॉइंट पर कन्वर्ट होते हुए अपीयर हो रही है, इसलिए जो इमेज जो है वो क्या हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, बैक ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है दैट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f to the left of it,
The diameter of the lens is D, and eye is placed at a distance 3F to the right of the lens at a distance H below the optic axis. The maximum value of H, so the image is. चलिए मतलब इमेज देखनी है उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच की वैल्यू क्या होगी. देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जैसे अपने पास यहाँ एक लेंस रखा हुआ है, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2f डिस्टेंस पर है. तो बहुत स्टैंडर्ड सा केस है कि ऑब्जेक्ट यदि 2f पर होता है -2f पर तो इमेज +2f. तो यहां से जो रेज निकल रही होंगी ना, जैसे एक रे मैं बिल्कुल एक्सट्रीम वाले पॉइंट्स ले लेता हूं क्योंकि बाकी बीच वाली जो रेज होंगी वो उसी फील्ड ऑफ व्यू में आएंगी. तो मैं फील्ड ऑफ व्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से एक रे इधर आ रही होगी, यहां से एक रे इधर, तो ये रे जो है ये आगे जाकर +2f पर कन्वर्ज होगी और ये वाली जो रे है ये भी आगे जाकर +2f पर कन्वर्ज होगी कुछ इस टाइप से. अब मेरा ऑब्जर्वर जो है वो यहां है, उसकी यहां से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है f, क्योंकि टोटल डिस्टेंस बोली गई है 3f, और ऑब्जर्वर यहां से h डिस्टेंस नीचे है. I have to calculate the maximum value of h for which we can see the image. तो देखिए ये वाला एंगल यदि थीटा होगा तो इधर ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाले डिस्टेंस अपने पास डायमीटर का हाफ बोले तो d/2, ये डिस्टेंस है 2f. तो दोनों में tan थीटा लगा दें, दैट इज d/2 into में 2f is equals to this value is h/f. From here we can say that the maximum distance from the optical axis is d/4, for which the image is clear. तो यदि इसमें बात करें then fourth one is the correct answer. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर क्वेश्चन है. टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, देन द इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हमें फाइंड करनी है. ठीक है, अब देखो फर्स्ट फोकल लेंथ हमको दी है 20 सेंटीमीटर और सेकेंड है 25 सेंटीमीटर. पावर की डेफिनेशन से हमें पता है पावर होता है 1/f. याद रखने वाली बात यहां पर यह है कि f जो हमें लेना है वो यहां मीटर में लेना है. ठीक है, तो फोकल लेंथ फर्स्ट की कितनी हो जाएगी मीटर में, 1/5 मीटर. सेकंड की कितनी हो जाएगी, 1/4 मीटर. और पावर निकालनी है कॉम्बिनेशन की तो ये हो जाएगी P=1/F1+1/F2. तो यहां से 1/F1+F2, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 dF. ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 4/4 ऑप्शन. चलिए सर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा जा रहा है. कंसीडर ए बीम एक्सपेंडर एज शोन इन द फिगर. बीम एक्सपेंडर की बात करें मतलब बीम जिस डायमीटर के साथ आ रही होगी उससे ज्यादा डायमीटर की दिखेगी. व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर हैविंग अ कॉमन ऑप्टिकल एक्सिस. ए लेजर बीम ऑफ डायमीटर 4 mm इज इंसिडेंट ऑन द 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ लेंस. द डायमीटर ऑफ द फाइनल बीम विल बी. देखिए एक तो सिचुएशन ऐसी है कि इसकी फोकल लेंथ है 40, इसकी फोकल लेंथ है 100. नेक्स्ट पेज पे आना. तो इस सिचुएशन में मैं थोड़ा सा इसको बना लेता हूं, ओरिजेंटली बना लेता हूं. इस वाले प्लेन में ये सिचुएशन है कि इसकी फोकल लेंथ 40 है, यहां पर अपने पास रे जो है ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आ रही, तो ऑब्वियसली ये इसके फोकस पर कन्वर्ज करेंगी. दूसरा देखो ये जो है जैसे मान लो इसकी रेडियस है मेरे पास r, ये वाला एंगल है थीटा, तो ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर. यदि अपन डायग्राम से देखते हैं ना तो फाइनली जो रेज है वो वापस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज हो रही है. यदि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इमर्ज होगी दैट मींस इसके लिए भी वो फोकस पर प्लेस्ड थी, तभी ऐसा हो सकता है. मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर होगी. देखिए ये वाला एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी थीटा होगा. ये रेडियस आर, लेट सपोज इसकी रेडियस जो है वो R1 है, तो अपन ये बोल सकते हैं सर दोनों ट्राइंगल्स में टेन थीटा से R1 upon 100 is equals to R upon 40. तो R1 की वैल्यू जो है दैट वैल्यू कम्स इज 5/2 R. पीछे लेना सर डाटा देखें जरा, इन्होंने डायमीटर दिया है तो अपन डायमीटर के लिए भी बोल सकते हैं दैट d1 इज इक्वल्स टू 5/2 इनटू में d. गिवन डायमीटर इज 4 mm तो इट इज 5/2 इनटू में 4 mm, दैट वैल्यू कम्स इज 10 mm. और
10 mm बोला जाए तो वैल्यू जो अपने पास आएगी दैट कम्स एज 1 cm. सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, टू लेंसेज L1 एंड L2 और फोकल लेंथ 12 एंड -12 cm रेस्पेक्टिवली आर 12 cm अपार्ट एज शोन इन फिगर. द रे आर इंसिडेंट पैरेलल टू द एक्सिस एज शोन लीव द सिस्टम ऑफ द रे एज यूनिट बार. कि हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ 12 cm दे रखी, ये डाइवर्जिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ -20 cm है और दोनों 12 cm के सेपरेशन पे. अब इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल आई है तो बोलता है कि दोनों से रिफ्रैक्शन के बाद में जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो इन चारों में से कौन सी होगी. ठीक है, अब देखो जरा. तो इस लेंस के लिए अगर बात करूं तो रे जब पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के इन्फिनिटी से आई है तो इमेज जो बनेगी वो इसके फोकस पर बनेगी. और यहां से अगर हम देखें तो फोकस 12 cm पे, फोकल लेंथ 12 cm है तो इमेज इसकी बनेगी यहां. क्लियर, फर्स्ट लेंस से रिफ्लेक्शन पे. या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो इन्फिनिटी से जो रे आई है वो यहां इस पॉइंट से पास हो जाएगी. ये हो जाएगा फर्स्ट लेंस का फोकस. सेकेंड लेंस के केस में अगर हम देखें तो ये पॉइंट सेकेंड लेंस का ऑप्टिकल सेंटर हो गया. अब ऑप्टिकल सेंटर की क्या खास बात होती है कि इस पर आने वाली जो रे है विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाती है. तो यहां से जो रे आई है बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएगी. तो हमें इन चारों में से वो रे देखनी है जो यहां ऑप्टिकल सेंटर से नीचे की तरफ पास हो रही है. तो साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें यहां पर, ये डी करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, दैट अ फोकल लेंथ ऑफ ए थिन कॉन्वेक्स लेंस इज 30 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस देयर इज अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 वेयर विल द पैरेलल रेज इंसिडेंस ऑन द लेंस कन्वर्ज. ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है कि अपने को जब तक कुछ बोला नहीं जाता ना अपन कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस को हमेशा कन्वर्जिंग लेकर चलते हैं. बट इट्स नॉट नेसेसरी कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस ही होगा. मीडियम पे डिपेंड करेगा, वो मीडियम पे डिपेंड करता है. तो पहले थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं फिर क्वेश्चन में लोड कराते हैं. किसी भी लेंस की फोकल लेंथ जो दी जाती है ना वो दी जाती है म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम -1/(1/R1) -1/(1)R2). देखो यदि अपन कॉन्वेक्स लेंस के रिगार्डिंग बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में 1/(1)-1/(R2) आप इस वैल्यू को जब भी सोल्व करेंगे तो ये वाला डाटा हमेशा पॉजिटिव निकल कर आएगा. और यदि मैं कॉनकेव लेंस के रिगार्डिंग बात करूंगा बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव लेकर तो कॉनकेव लेंस के केस में 1/(R1)-R1) नेगेटिव आएगा, R2 पॉजिटिव आएगा. तो 1/(R1)-1/(R2) ये वाला डाटा जो मेरे पास आता है ये हमेशा नेगेटिव. अब यदि ऐसा है कि म्यू लेंस ग्रेटर देन म्यू मीडियम है तब तो ये डाटा पॉजिटिव है. कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये वाला डाटा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी. लेकिन यदि ऐसा है कि लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से लेसर है तो उस कंडीशन में ये वाला डाटा नेगेटिव होगा, ये वाला डाटा पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ नेगेटिव. मतलब इस कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस जो है that will behave like a divergent lens. और यदि focal length positive then converging. Similarly इसके लिए कि यदि mu lens greater than mu medium है तो ये data positive, concave lens के लिए ये negative आ ही रहा है तो focal length negative मतलब diverging lens. और यदि mu lens less than mu medium है तो ये data negative, ये negative तो focal length अपने पास positive आ जाएगी. मतलब उस condition में बाइकॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस की तरह करेगा. तो हमेशा ये स्टेटमेंट बोला जाना कि ये कॉनकेव लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है गलत है, डिपेंड्स ऑन दी सराउंडिंग. चलिए सर अब अपन अपने क्वेश्चन में वापस लौट कर आते हैं. क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है कि एक कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, थिन कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 30 cm है. तो यहां से जो रे आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है. अब ये मीडियम एक्चुअली ऐसे बनाया हुआ, ये एक्सटेंडेड मीडियम है कि आगे तक यही वाला मीडियम है. अब रे जो आ रही है बनाना सर, तो इस वाले लेंस से रेज ऑब्वियसली 30 सेंटीमीटर पर फोकस पर जाकर कन्वर्ज करेंगी. ये 30 सेंटीमीटर पर जाकर कन्वर्ज कर रही है, करती यदि ये प्लेन सरफेस नहीं होती.
अब ये प्लेन सरफेस यहां से 10 सेंटीमीटर पर है, इसका मतलब यहां पर इनके साथ रिफ्रेक्शन होगा। देखो जनरली स्टूडेंट्स इस बात से कंफ्यूज रहते हैं, जब अपन डी एपरेंट की कैलकुलेशन करते हैं ना, तो डी एपरेंट में वो डी बाई मी या म्यू डी करके डाटा याद रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। रियली में अपने को ये ध्यान रखना चाहिए, ये होता है म्यू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई म्यू ऑब्जेक्ट इनटू में डी एक्चुअल, म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑब्जेक्ट इनटू में डी एक्चुअल। तो देखो अब म्यू ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जर्वर उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें लाइट रे रिफ्रेक्शन के बाद जाती है, म्यू ऑब्जेक्ट उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है जिसमें लाइट रे रिफ्रेक्शन से पहले आई, तो रिफ्रेक्शन के बाद इस मीडियम में जा रही है और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 3/2, रिफ्रेक्शन से पहले इस मीडियम में है तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1 और डाई डी एक्चुअल। एक्चुअली में इस सरफेस से इंटरफेस से डिस्टेंस है 20, तो जैसे ही अपन ने डाटा पुट किया दिस वैल्यू कम्स एज 30 सेंटीमीटर, मतलब लाइट रेस इस वाले पॉइंट से 30 सेंटीमीटर आगे कन्वर्ज होगी। यदि अपन डायग्राम से बात करना चाहें रे डायग्राम लेकर, तो ये रे जैसे इस वाले पॉइंट से बात करें तो ये यहां कहीं कन्वर्ज होगी, मतलब लेंस सिस्टम से उसकी डिस्टेंस जो होगी दैट डिस्टेंस विल बी 40 सेंटीमीटर। हमें लेंस से डिस्टेंस की बात करनी है, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4th। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, 11 के बाद 12 में देखिए। 12 जो है हमारे पास माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन, बोला टू ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ माइक्रोस्कोप हैव फोकल लेंथ 4 mm एंड 25 mm, द ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस अ रियल इमेज 30 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द फाइनल इमेज इज व्यूड एट इंफिनिटी, देन द नियर पॉइंट ऑफ द माइक्रोस्कोप यूज 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन पूछा माइक्रोस्कोप का। तो पहले तो माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो ये माइक्रोस्कोप यहां का, यहां हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज इसको हमेशा ऐसे अरेंज किया जाता है कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए एफ और 2f के बीच में है, जिससे यहां पर इन्वर्टेड और लार्ज इमेज मिलती। सपोज ये इनिशियल पोजिशन जो थी ऑब्जेक्ट की वो थी यू और इमेज जो बनी है वो है वी पर, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन हो जाएगा वी अपॉन यू। सेकेंड लेंस जो है वो इस तरह से अरेंज किया जाता है कि उसके लिए बनने वाली जो इमेज है उसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए, ताकि वह जो सिंपल माइक्रोस्कोप बिहेव करे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन क्या आता है, वो आता है डी अपॉन यू ई, यहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो। अब इस केस में यूई की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कि यहां पर कौन सा केस हम ले रहे हैं, कि ऑब्जेक्ट जो है अगर हमारे पास इसका जो फाइनल इमेज है अगर इन्फिनिटी पर बनेगा, तो इन्फिनिटी पर बनेगा मतलब यूई की वैल्यू क्या रही होगी फोकल लेंथ के इक्वल, तो यहां पर मैग्निफिकेशन क्या मिल जाएगा अगर फाइनल इन्फिनिटी पर बनेगा, तो मैग्निफिकेशन मिल जाएगा डी अपॉन एफ, और अगर ये मिनिमम विजन की डिस्टेंस पर बने तो ये मैग्निफिकेशन मिलता है हमारे पास 1+DY। अब क्वेश्चन देखते हैं जरा, तो इस तरह से इफेक्टिव मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 into m2। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि फर्स्ट लेंस से जो प्रोड्यूस इमेज जो है वो 30 टाइम्स लार्ज मिली हमारे पास, तो m1 की वैल्यू इसने डायरेक्ट 30 गिवन कर दी, और बोला है कि फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर व्यू की गई है। अब फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पर व्यू है तो यहां से मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा dyf हो जाएगा, तो इफेक्टिव देखो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेंस से तो हो गया 30 और सेकंड से कितना हो जाएगा dyft, तो 30 डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर और आईपीस लेंस की फोकल लेंथ दी है हमें 25 mm, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 300, ठीक है, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए सर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कह रहा है दैट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ लेयर्ड लेंस एज शोन इन द फिगर इज मेड ऑफ टू डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, द नंबर ऑफ इमेजेस दैट विल बी फॉर्मड इज, देखो इसमें
लेंस की बात की गई है, ये लेंस, ये वाला जो पार्ट है वो अलग टाइप के मटेरियल का बना हुआ है, तो ये अलग लेंस की तरह बिहेव करेगा, और ये वाला जो पार्ट है ये अलग मटेरियल का बना हुआ है, तो ये अलग लेंस की तरह बिहेव करेगा। मतलब इस सिस्टम में टोटल यदि अपन बात करें तो टोटल दो टाइप के लेंस की तरह बिहेवियर होगा। तो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए यदि दो लेंसेज हैं तो फिर दो इमेजेस बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड वन होगा। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में क्या बोला है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस से यहां पर पॉइंट ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दे दी है इसकी 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लेंस शुड अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर है, इसको प्लेस किया गया है लेंस से एक्स डिस्टेंस पर। तो पूछा इस एक्स की वैल्यू क्या हो ताकि जो फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट पर ही कोइंसाइड करे। ठीक है, अब देखो लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है, मिरर के लिए 60 सेंटीमीटर। इनके बीच का सेपरेशन x बोला और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो है 20 सेंटीमीटर 2f। अब देखो लेंस के लिए अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है, 2f पर है, तो इमेज भी इधर कहां बनेगा, 2f पर बनेगा, इधर भी इमेज 2f पर बनेगा। अब हमें फाइनल इमेज अगर यहीं बनानी है तो दो केसेस से पॉसिबल है। पहला तो ये हो सकता है कि ये जो रे है वो इस मिरर के लिए पोल पर आ जाए और यहां से सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो और फिर फाइनली यहीं पर पहुंच जाए। तो एक तो केस ये हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है हमारे पास कि ये जो आई है हमारे पास रेज, ये मिरर के नॉर्मल के अलावा या बोल दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई अपीयर हो, तो ये रिट्रेस कर जाएंगे अपने आप को और फाइनल इमेज यही बन जाएगी। तो दोनों केसेस में हम बात कर लेते हैं। तो यहां ये हमारे पास 2f है 20 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो यहां से रिफ्लेक्शन की वजह से यहां जो इमेज बनेगी ये सेपरेशन भी आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बट ऑप्शन में अगर हम देखें तो हाँ ये आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सेपरेशन एक्स अगर हम निकालने की कोशिश करें, ठीक है, ये अगर एक्स सेपरेशन निकालना तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 20, ये 120 ऐसा पॉसिबल ही नहीं क्योंकि ये तो लार्ज डिस्टेंस हो गई। तो मतलब इस केस की तो ये बात कर नहीं रहा, तो डेफिनेटली यही केस रहा हो। तो यहां अगर हम देखें तो ये वैल्यू जो 2f है भाई क्या हो जाएगी हमारे पास x के इक्वल हो जाएगी, तो x की वैल्यू 2f मतलब 20 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं दैट एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.3 मीटर, द लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द इमेज विल बी। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहां पर अपने पास एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 0.3 मीटर है, मीटर 0.3 मीटर, यहां पर अपने पास एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की यहां से जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट वाली डिस्टेंस यहां से 20 मीटर की है और ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से अवे 5 मीटर पर सेकंड से मूविंग है। मेरे को ये बतलाना है कि इमेज जो है वो किधर मूविंग होगी और उसकी स्पीड क्या है। यदि मैं लेंस फॉर्मूला की बात करता हूं तो लेंस फॉर्मूला कहता है 1/v - 1/u = 1/f, इट्स डिफरेंशिएटेड, सो दिस वैल्यू कम्स एज -1/v² dv/dt + 1/u² du/dt और f का डिफरेंशिएशन 0। तो dv/dt की वैल्यू जो मेरे पास आती है
दैट वैल्यू कम्स एज वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर साथ में डी यू बाई डी टी। देखिए यदि मैं यहां डाटा पुट करूंगा dv by dt, v square by u square, no doubt ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यदि ये वाली वैल्यू, इसको मैं m square बोल सकता हूं, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और ये du by dt जो है वो माइनस फाइव y कैप है। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म बोल सकते हैं कि आंसर में इमेज जो है वो लेंस की तरफ मूविंग होगी, क्योंकि एक तो ये 0.3 है, ये 20 मीटर है, मतलब 2f से ज्यादा का डाटा है, तो इमेज f से 2f के बीच बनेगी। प्लस टू एफ से माइनस इनफिनिटी में जा रहा है, माइनस टू एफ से माइनस इनफिनिटी, तो इमेज एफ प्लस एफ से टू एफ, और वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, मतलब टुवर्ड्स द लेंस। यदि अपना एम मिल गया ना तो क्वेश्चन सोल्व्ड। तो हमने कहा अभी 1 बाई बी माइनस 1 बाई माइनस 20 इज इक्वल टू 1 बाई 0.3 दैट कैन बी रिटन एज 10 बाई 3 एंड 1 बाई बी कम्स एज 10 बाई 3 माइनस में 1 बाई 20। एलसीएम की बात करेंगे तो 60 आएगा, दैट वैल्यू इज 60 की बात करें तो इट इज 200 डिवाइडेड बाय 3 माइनस में डिवाइडेड बाय, इस वैल्यू विल बी 200 बाय 60 माइनस में 3 बाय 60, वैल्यू आ गई v कम्स एज 60 डिवाइडेड बाय 197। v की वैल्यू आ गई 60 बाय 197, u की वैल्यू जो अपने को गिवन है दैट इज माइनस 20। तो अपन डाटा पुट करेंगे यहां से, मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो मेरे पास आएगी दैट कम्स एज 60 डिवाइडेड बाय 197 मल्टीप्लाइड विद 20, ये कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स, सो इट इज 3 बाय 197। तो अपन यहां पर पुट करेंगे 3 बाय 197 इनटू 3 बाय 197 इनटू 5, तो अप्रोक्सीमेटली ये वाला डाटा जो मेरे पास आता है, अप्रोक्सीमेटली की बात करो, एग्जैक्ट नहीं है बेटा, ये 1.2 के आसपास, 1.16 ठीक है, अपन लमसम में बात कर रहे हैं, 10 टू द पावर माइनस 3 में, कोई दिक्कत की बात नहीं। मुद्दा ये कि इमेज एक तो लेंस की तरफ मूविंग होगा और उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इमेज की वेलोसिटी की, वो अपन ने डिस्कस किया। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है अ थिन लेंस मेड ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड व्हेन इट इज इमर्ज इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 इट्स फोकल लेंथ इज f1 द रेशियो f f1 / f पूछा है, ठीक है। यहां पर बोला है मीडियम 1.42 में इमर्ज करने पर फोकल लेंथ f1 हो जाती है, ठीक। तो देखो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस अज्यूम कर लिया हमने, ये r1 r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बोला है 3/2, इनिशियली कुछ नहीं बोला तो सराउंडिंग मीडियम हम एयर कंसीडर करके चलेंगे, तो इनिशियल फोकल लेंथ लिखी जाएगी 3/2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 1 अपॉन r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब क्या किया, इस लेंस को हमने 1.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सराउंडिंग मीडियम में इमर्ज कर दिया, तो यहां 1.42 मीडियम लगा दिया, तो अब नई फोकल लेंथ f1 जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 3/2 अपॉन 1.42 माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ठीक है। बेसिकली मैंने जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है वो काम में लिया है, क्या होता है वो कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग का माइनस 1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, इससे हम किसी भी लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो बस मैंने वही अप्लाई किया है, ठीक है। तो सेकंड को सॉल्व करते जरा, तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसको मैं 3/2 को 1.5 पे लिख सकता हूं, तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी मेरे पास 0.08 बाय 1.42 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 71 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। हमसे जो पूछा है वो रेशो पूछा है f1 बाई f का, तो दोनों इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर देता हूं, तो यहां से रेशो आएगा f1 बाई f, ये वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा, यहां बच जाएगा 1/2, नीचे बच जाएगा 4/71, तो आएगा 71/8। तो तुम इसमें जो बोला है कि f1 बाई f की जो वैल्यू है इसका हमें अप्रोक्स इंटीजर नियरेस्ट इंटीजर पूछा, अनुपात f/m में निम्न में से किस पूर्णांक के निकटतम है, तो
तो तुम साफ साफ देख सकते हो 71/8 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 9 के इक्वल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड ऑप्शन। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है दैट अ कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑन अ स्क्रीन व्हेन द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड बाय एन ओपेक स्क्रीन। वो बोल रहा है कि भाई एक कन्वर्जिंग लेंस है और इसमें इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, और स्क्रीन पे फॉर्म हो रही कि नहीं, ठीक है, इमेज ऑन स्क्रीन। मान लो मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेकर ही बात कर लेता हूं, तो यहां से जो रेज आ रही होगी, जैसे माना कि ये सिचुएशन है और ये रेज कहीं एग्जैक्टली इस वाले पॉइंट पर जाकर मीट कर रही, स्क्रीन पर एग्जैक्ट इमेज बन रही, तो ये जितनी भी रेज इस वाले पोर्शन से यहां से जो इमेज हो रही है पॉइंट ऑब्जेक्ट से और जितनी रेज को ये लेंस कवर कर रहा है वो सारी की सारी रेज जो है वो इमेज फॉर्म करा रही, स्क्रीन पर जाकर इस पॉइंट पर मीट करेंगे। यदि मैं अब ऐसा करता हूं कि जो अपर पोर्शन है उसको किसी ओपेक स्क्रीन से कवर कर देता हूं ना, इसका मतलब जो अपर हाफ में आने वाली रेज है वो अपर हाफ वाली रेज उस अपर हाफ पर, मतलब ऊपर वाले हाफ पर वो रेज इंसिडेंट नहीं होगी, नीचे वाले पर तो वैसे ही इंसिडेंट हो रही है, तो नीचे वाला लेंस का पार्ट जो है वो वहीं पर इमेज फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब इमेज तो वहीं बनेगी बट द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी लेसर। यदि अपन यहां पर बात करें, फर्स्ट में बोला जा रहा हाफ द इमेज विल डिसअपीयर, गलत बात, कंप्लीट इमेज विल बी फॉर्म्ड, बिल्कुल सही, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड में कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल इंक्रीज, गलत, इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल डिक्रीज, सो सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर्स। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर placed in such a way that principal axis of convex lens is 2 cm above the principal axis of concave lens. कि ये हमें यहाँ एक convex lens और ये एक concave lens given है। ये convex lens का principal axis और बोला है concave का जो principal axis है वो convex से 2 cm नीचे, आगे बोला है द सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज एट ओरिजिन, मतलब इसके कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर को ओरिजिन कंसीडर करते हुए, एंड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज एक्स एक्सिस, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट -20 सेंटीमीटर एंड 0। कि ये जो एक्सिस है इसको ओरिजिन कंसीडर करना, ये एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो यहां कहीं रखा हुआ है 20 पर, इनके बीच का सेपरेशन हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, साथ में फोकल लेंथ दे रखी है 10 एंड 15, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। पूछा है जो फाइनल इमेज है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो देखते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करें तो फोकल लेंथ 10 है, ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पर रखा हुआ है, तो इमेज भी डेफिनेटली 2f पर बनेगी। तो यहां से जो रेज आएंगी इस तरह से यहां, ठीक है, तो ये जो इमेज बनाएगा इसका यहां का ही बनाएगा 20 पर, तो ये 10, ये 15 है, ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट की वजह से इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो यहां का ही बनेगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज के साइज भी पॉइंट साइज हो जाएगी। सेकेंड लेंस के लिए अगर हम बात करें तो इसका तो प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, इस प्रिंसिपल एक्सिस के लिए अगर देखो तो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर की हाइट पे, तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो +5 सेंटीमीटर हो जाएगी आगे की तरफ, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए बात करें तो यू की वैल्यू +5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो प्लस का 2 सेंटीमीटर। इमेज के बारे में बात करनी है तो लेंस फॉर्मूला से मैं इसमें इमेज की पोजीशन और मैग्निफिकेशन से उसकी हाइट भी फाइंड कर सकता हूं, तो पोजीशन फाइंड करते हैं 1/v - 1/u = 1/f, तो यहां से 1/v आ गया -1/15 +1/f
एलसीएम आएगा 15 माइनस 1 प्लस 3 तो ये आ गया 2y15, तो v की वैल्यू आ गई यहां से 7.5 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो है वो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनी। अब देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, हाइट ऑफ इमेज निकालना, तो मैग्नीफिकेशन काम में ले ले। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेंस के लिए v अपॉन u, v की वैल्यू प्लस 15/2, u की वैल्यू 5, तो ये आ गया हमारे पास 3/2 मैग्नीफिकेशन। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इज 3/2, s नॉट h 2, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर। अब प्लस में आया मैग्नीफिकेशन, मतलब इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगी, तो इसकी इमेज यहीं पर बन जाएगी इसी साइड में 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज यहां कहीं बना है, इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो इस ओरिजिन से ये सेपरेशन कितना हो गया 15 प्लस 7.5, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हो गया 22.5 सेंटीमीटर। और y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो ये हाइट 3 है, ये 2 है, तो x से ऊपर तो हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 22.5 तो x पर और 1 सेंटीमीटर y पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहां पर, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द सिस्टम इज 22.5 एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को। क्वेश्चन नंबर 19, ये प्रीवियस जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, और मतलब प्रिज्म पे बहुत हल्का सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। वैसे यदि आपकी थ्योरी अच्छी है, प्रिज्म अच्छे से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट से बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट पूछे गए हैं केवल। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फॉर एन आइसोस्केलस प्रिज्म ऑफ एंगल ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इट इज फाउंड दैट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज ए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर इज ऑब्लिक आर करेक्ट। ठीक है भाई, मिनिमम रिफ्रैक्ट डेविएशन एंगल जो है डेल मिनिमम, इस इज गिवन एज ए। तो डेविएशन एंगल की यदि अपन बात करते हैं, तो डेविएशन जो होता है ना प्रिज्म से प्रोड्यूस्ड, उसका फॉर्मूला होता है आई प्लस ई माइनस ए। ये अपने को ए गिवन है, और मिनिमम डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन के केस पर आई और ई दोनों इक्वल होते हैं। तो मैंने कहा इधर तो हो गया 2i और इधर वाली साइड हो गया 2a, मतलब अपना इंसिडेंस एंगल जो है वो ए के इक्वल होगा। जब मिनिमम डेविएशन होता है तो प्रिज्म से जो रे प्रिज्म के इनसाइड होती है वो एक्सिस के उसके बेस के पैरेलल होती है, और R1 और R2 दोनों की वैल्यू a बाय 2। तो चलिए एक बार ऑप्शंस में आते हैं सर। पहला तो ये कहा जा रहा है कि दैट द मिनिमम डेविएशन द इंसिडेंस एंगल I1 एट द रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 एट द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर रिलेटेड बाय R1 इज इक्वल्स टू I1 बाय 2। देखो I जो है मिनिमम डेविएशन के लिए वो a आया है, और R जो होता है वो a बाय 2 आता है, तो इसका मतलब R1 की वैल्यू जो है वो I1 बाय 2 है, सो इट इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा यदि मैं मिनिमम डेविएशन से बात करूं, तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल्स टू a, द रे इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, बिल्कुल ऐसा ही होता है मिनिमम डेविएशन के लिए, सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो ऑल्सो करेक्ट है। चलिए अब ऑप्शंस 2 और ऑप्शंस 3 के लिए बात करते हैं। प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल प्रिज्म एंगल के बीच रिलेशन पूछा गया है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन होता है वो अपने पास होता है a म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाय 2। हमारा डेल मिनिमम a के इक्वल है, तो इट इज a प्लस a बाय 2 दैट इज साइन a, और साइन a को थोड़ा सा लिखना चाहे एक्सपेंड करके, तो वी कैन राइट इट लाइक 2 साइन a बाय 2 cos a बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाय 2। अब देखो यहां पर ये साइन a बाय 2 और साइन a बाय 2 तो सही हो गया, डाटा बचा 2 cos a बाय 2 इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू बाय 2 की वैल्यू जो है वो cos a बाय 2 की इक्वल आ रही है, सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट a कम्स एज cos इनवर्स 2 cos इनवर्स म्यू बाय 2, और हमें जो दिया गया है उसमें दिया गया दैट a इज इक्वल टू 1 बाय 2 cos इनवर्स म्यू बाय 2, मतलब ये गलत आंसर है। अब थर्ड वाले के बारे में बात करें कि फॉर द प्रिज्म इमर्जेंट रे एट द सेकंड सरफेस विल बी टेंजेंशियल टू द सरफेस When the angle of incidence at the first surface is this, मतलब grazing emergence को लेकर अपने को angle of incidence जो है वो calculate करना है। चलिए सर, grazing incidence emergence चाहिए, तो grazing emergence के लिए
हमने कहा यहां पर जो रे इंसिडेंट होती है ना वो क्रिटिकल एंगल पर होती है। अब देखो यदि ये क्रिटिकल एंगल पर है तभी तो म्यू इंटू साइन सी इज इक्वल टू वन इंटू साइन ई, तो ई की वैल्यू 90 आएगी। ये प्रिज्म एंगल ए है तो इसके नॉर्मल के साथ ये वाला जो एंगल आएगा दिस एंगल विल बी ए माइनस सी, तो ये मेरा इंसिडेंस एंगल आई। मैं यदि यहां फॉर्मूला यूज करता हूं दैट वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए माइनस सी, जिसको एक्सपेंड करके लिखूं साइन ए माइनस सी को साइन ए कॉस सी माइनस में कॉस ए साइन सी। अब देखो डियर साइन सी की जो वैल्यू होती है ना वो होती है वन बाई म्यू, मतलब कॉस सी की जो वैल्यू होती है वो अपन कह सकते हैं अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू। तो ये कॉस सी की वैल्यू अपन यहां टिका दें दिस वैल्यू कम्स एज म्यू इंटू साइन ए साथ में अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई म्यू माइनस में कॉस ए एंड साइन सी इज वन बाई म्यू, तो ये म्यू तो सही हो गया। इधर जो डाटा मेरे पास बच रहा है साइन आई का वो बच रहा है साइन ए अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन माइनस में कॉस ए, और आपको याद हो तो अपन इस क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहां जो अपने म्यू की वैल्यू आई थी, आना सर इधर वापस आगे की ओर, म्यू की जो वैल्यू आई थी वो आई थी मेरे पास टू कॉस ए बाई टू। तो ये जो म्यू वाली वैल्यू यदि मैं यहां पुट कर देता हूं तो मेरा साइन आई जो आ रहा है दैट इज साइन ए साथ में अंडर रूट में फोर कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन माइनस में कॉस ए, तो आई विल बी साइन इनवर्स साइन ए साथ में ये वाला डाटा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो थर्ड आंसर जो है वो भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर जो इस क्वेश्चन की है वन थ्री एंड फोर। थोड़ा सा लेंथी जरूर था बट कंसेप्ट यदि आपके मतलब प्रिज्म की थ्योरी यदि आपकी क्लियर थी तो ये क्वेश्चन हिट कर सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं 19 के बाद 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें लेंस के लेंस बता रखे हैं, उन पे इंसिडेंट रे और इमर्जिंग रेज के लिए डायग्राम दे रखे हैं और बोला है कि किस कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास म्यूज की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो यहां पर एक बार पहले बता दूं कि ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस की कॉन्वेक्सिटी अगर रेरर की तरफ होती तो ये यहां पर इस तरह से सपोज लाइट आ रही है, कॉन्वेक्स सरफेस की कॉन्वेक्सिटी अगर रेरर की तरफ होती है तो ये कन्वर्जिंग की तरफ बिहेव करता है, और अगर ये डेंसर की तरफ हुई तो यही सरफेस डाइवर्जिंग की तरफ बिहेव करने लग जाएगी। कॉनकेविटी जो है अगर वो रेरर की तरफ हुई तो ये सरफेस डाइवर्जिंग की तरफ बिहेव करती है, और अगर ये डेंसर की तरफ हुई तो ये हमारे पास कन्वर्जिंग की तरफ बिहेव करने लग जाएगी। अब इसमें देखो फर्स्ट जो हमें कंडीशन दे रखी है इसमें क्या बोला कि इधर से हमारे पास ये रे आई है और उसके बाद में यहां पर देखो एक बार तो इस जगह पे रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, एक बार इस जगह पे रिफ्लेक्शन होना चाहिए था। सेकंड रिफ्लेक्शन में जो रे जो है वो बिना डेविएशन के आगे पास कराई है, तो ये भी कंडीशन देख लेते हैं कि अगर इधर से रे आई और बिना डेविएशन के सीधी पास हो गई मतलब डेफिनेटली वहां दोनों तरफ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। इन रिजल्ट को काम में लेके हम क्वेश्चन देखते हैं जरा। यहां बोला है देखो फर्स्ट सरफेस पर अगर हम देखें तो यहां क्या हुआ है कि ये जो रे आई है वो यहां हल्की सी कन्वर्ज हो गई। कॉन्वेक्सिटी अगर ये कन्वर्ज हुई है मतलब कॉन्वेक्सिटी किधर रही होगी, रेरर मीडियम की तरफ, मतलब डेफिनेटली यहां म्यू वन कम होगा म्यू टू से। ठीक है, सेकेंड रे को अगर हम देखें तो यहां मीडियम के अंदर रे और इमर्जिंग रे दोनों सेम है, तो ये तभी हो सकता है जब म्यू टू और म्यू थ्री सेम। ठीक है, तो ए वाला किस किस में आ जाएगा, म्यू वन लेस देन म्यू टू, यहां पर भी ए रिलेस ए वाला ऑप्शन आएगा और इसमें भी ए आ जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं, यहां अगर तुम देखो तो रे जो है इंसिडेंट रे जो है फर्स्ट केस फर्स्ट रिफ्लेक्शन में डायवर्ज हुई है, अब कॉन्वेक्स सरफेस डायवर्ज कर रही है मतलब डेफिनेटली म्यू वन की वैल्यू है वो ज्यादा होगी म्यू टू से। ठीक है, सेकंड में अगर हम देखें इस सरफेस पर यहां तो यहां पर भी रे जो है वो क्या है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुई है। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब बैंड होगी, जब रे जो है वो डेंसर से रेरर में आए मतलब म्यू टू की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए म्यू थ्री से। तो इसको अगर हम देखें तो यहां पर एक तो ये क्यू ऑप्शन में है
तो यहाँ पर वी आ जाएगा, इसके अलावा म्यू टू ग्रेटर देन म्यू यहाँ पर भी वी आ जाएगा, ठीक है। थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड में यहाँ पर कॉनकेव सरफेस की बात की गई है। अब कॉनकेव सरफेस डाइवर्ज कर रही है, कॉनकेव सरफेस डाइवर्ज कर रही है मतलब ये मीडियम जो है वो रेरर रहा होगा, मतलब म्यू वन लेस देन म्यू टू। उसके बाद अगर हम देखें तो इस जगह पर रे जो है बिना डेविएशन के पास हो गई, मतलब दोनों मीडियम सेम होंगे, तो म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री। तो सी जो है वो पी में भी आ जाएगा और आर में भी आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ अगर हम देखें तो यहां पर रे कॉनकेव सरफेस जो है वो कन्वर्ज कर रही है रे को, मतलब म्यू वन ज्यादा होगा म्यू टू से। और फाइनली अगर हम देखें प्लेन सरफेस पर तो रे जो है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो गई, मतलब डेंसर से रेरर की तरफ जा रही होगी, तो म्यू टू ग्रेटर देन म्यू थ्री। तो म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू में डी आ जाएगा हमारे पास यहां पर, और म्यू टू ज्यादा है तो यहां पर भी आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पी में ए और सी, क्यू में बी और डी, देन आर में ए एंड सी, एंड एस में बी एंड डी, ठीक है। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है that locate the image formed by refraction, the situation shown in the figure, point C in the center of curvature. चलिए आगे बढ़ते हैं सर थोड़ा सा अगले पेज पर। देखो पिछले क्वेश्चन में जो चीज यदि आपको याद नहीं रहती है ना, तो इसमें भी अपने पास यूज हो रही है, यदि अपन उसको कर्व्ड सरफेस पे रिफ्रैक्शन को डिराइव करना, मतलब अपन नहीं याद रहा यार कॉन्वेक्सिटी कैसे होगी कॉनकेविटी कैसे होगी, तो आप उसको बनाकर भी याद रख सकते हैं। कैसे, अगले पेज पे आना सर। जैसे मान लो ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस है, यहां से एक रे जो है भाई, ये अपन ने कहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस वाले पॉइंट पर अपन ने नॉर्मल डाल दिया। एक रे जो है वो यहां पर इंसिडेंट हो रही है। देखो यदि मैं इसको कहूं कि ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, इसका मतलब नो डाउट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस से लेसर होगा। इसका मतलब ये देखो इसकी तरफ बेंड होगी, सिंपल। अपोजिट होता यदि ये डेंसर होता और ये रेरर होता, तो रे जो है वो डाइवर्जेंट। क्यों, सही है सर, बिल्कुल सर। तो मतलब एग्जाम में याद रहे बेटर होता है, नहीं रहे तो फिर एक दफा बैठ के निकाल लो, क्योंकि ऐसा मैच द कॉलम का क्वेश्चन आता है एडवांस के पेपर में, तो लगभग 16 नंबर का आता है, तो इतना टाइम तो अपने पास है कि अपन 16 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना काम तो कर सकते हैं। चलिए सर वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दैट लोकेट द इमेज फॉर्मड बाय द रिफ्रैक्शन द सिचुएशन शोन इन द फिगर, पॉइंट सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलो देखो रे इधर से इधर आ रही है, तो ये म्यू वन और ये म्यू टू, म्यू वन की वैल्यू 1 और म्यू टू की वैल्यू 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव में देंगे तो +20 सेंटीमीटर। तो अपन ने कहा जी सर म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर, सो दिस वैल्यू इज 1/40। तो 3/2V इज इक्वल्स टू 1/40 माइनस 1/25, सो वी कैन राइट इट 5/200 माइनस में 8/200, सो इट विल बी 3/200। तो 3/2V इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/200, ये कैंसिल आउट, ये 100 टाइम्स कैंसिल आउट, तो वी की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है That is coming as minus 100, मतलब ray जो है, मतलब image जो है वो पीछे की तरफ pump होगी minus 100 इस point से, clear? चलिए सर आगे बढ़ाते हैं 21 के बाद अगले question की बात करें 22। Question बोला a point source of light is kept at a distance of 15 centimeter from a converging lens on its optical axis. The focal length of the lens is 10 centimeter and its diameter is 3 centimeter. A screen is placed on the other side of the lens, perpendicular to the axis of the lens, at a distance 20 centimeter from it. Then find the area of illuminated part of the screen. क्या बोला? A point source of light is kept at a distance of 15 centimeter from a converging lens. ये एक converging lens दे दिया हमें, जिसकी इससे 15 centimeter पर यहाँ एक point object रखा हुआ। लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर बोली, साथ में इसका जो डायमीटर है ये हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर
बोला, और इसके सामने हमने ए स्क्रीन इज्ड प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है, यहाँ हमने प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक स्क्रीन रख दी एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, यहां से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द स्क्रीन, कि इस स्क्रीन पर जो इमेज जो है बनेगी वो कितने एरिया पर बनेगी, वो एरिया हमसे पूछा, ठीक है। तो देखो जरा, तो पहले तो मैं इससे इस ऑब्जेक्ट की बनने वाली इमेज की पोजिशन फाइंड कर लेता हूँ। तो इमेज की पोजिशन अगर फाइंड करें तो क्या लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। तो यहां से 1/v आ जाएगा 1/10 - 1/15, तो यह आएगा 5/150, तो v की वैल्यू आ गई प्लस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज जो है वो यहां से 30 सेंटीमीटर पे यहां कहीं घूमने वाली है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहां से रे आई इस तरह से, और ये अगर ये बीच में स्क्रीन नहीं होती तो ये यहां पर जाके इमेज बनाती, बट अभी स्क्रीन रख दी तो केवल ये वाला जो पोर्शन है वो यहां इल्यूमिनेट हो जाएगा। तो ये एरिया हमसे पूछा, ठीक है। अब यहां देखिए, ये जो है ये डायमीटर हमको दे रखा है डी, मैं मान लेता हूं इस इमेज का जो डायमीटर बना है मेरे पास वो है डी डैश, ठीक है। ये एंगल थीटा अगर कंसिडर कर लिया जाए तो यहां 10 थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो ये टोटल कितना है 30, ये 20, तो ये 10, अगर 10 थीटा लिखे स्मॉलर ट्राइंगल तो ये हो जाएगा डी डैश बाई 2/10, और अगर इसी को मैं लार्ज ट्राइंगल में देखूं तो ये क्या हो जाएगा d/2/30। तो यहां से डी डैश की वैल्यू आ गई मेरे पास d/3। अब डायमीटर हमें पहले से दे रखा लेंस का 3 सेंटीमीटर, तो इमेज का आ गया 1 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारे पास डायमीटर आया है इस इमेज का। अगर हमें इसका एरिया निकालना तो एरिया यहां पर सर्कुलर इमेज एरिया हो जाएगा हमारे पास पाई, आर की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, तो एरिया आ जाएगा π/4 सेंटीमीटर, ठीक है सर। फिर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। 23 में ये बोला जा रहा है दैट एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड 5 फॉर फार ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है। द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव पीस एंड आई पीस इज 36 सेंटीमीटर, द फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज भी इंफिनिटी पर है। तो अपन इस केस में यदि मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो इसका मैग्नीफिकेशन जो होता है वो माइनस ऑफ एफ ओ अपॉन एफ ई, वैसे तो ये फॉर्मूला माइनस एफ अपॉन एफ ई होता है, पर अपने मैग्नीट्यूड की बात की है तो एफ अपॉन एफ ई फार ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो यदि फार ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है इमेज भी इंफिनिटी पर बनती है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखो डियर, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इन दोनों में जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में आने के चांसेस दोनों में इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी है और एडवांस में भी है, तो फॉर्मूला मेमोराइज रखने ही रखने हैं। इस वाले केस में डायरेक्टली यूज हो रहा है भाई साहब कि अपना एफ अपॉन एफ ई 5 आ गया। फिर वो कह रहा है सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस दैट इज द लेंथ ऑफ ट्यूब, यदि इसके लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो ये रेज को फोकस पे बनाएगा, और इससे भी इमेज यदि इंफिनिटी पर बन रही है इसका मतलब इसके लिए फोकस पर है, तो मतलब दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो एफ अपॉन एफ ई, आपका f0 plus fe की जो वैल्यू है that is 36 सेंटीमीटर and f0 by fe is 5, so from here we can easily say कि भाई f0 की वैल्यू जो है वो तो आ जाएगी मेरे पास 30 सेंटीमीटर और fe की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी that will be 6 सेंटीमीटर, क्लियर। तो यही दो चीजें पूछी गई। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 24 बोला है a point source is sinking down in a liquid refractive index view with a constant velocity v0, find the rate of change of area through which light will escape from the liquid when the source is at a depth h0. TIR पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट गुरु नीति में भी डिस्कस किया था एक, ठीक है, वहां एरिया कैलकुलेट करवाया था, एरिया की जस्ट रेट पूछ ली है। क्या बोला है कि एक म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का एक मीडियम जिसमें किसी टाइम पर h0 डेप्थ पर यहां एक पॉइंट सोर्स है,
ठीक है। अब इससे जो लाइट बाहर निकलेगी उस जितने एरिया से निकलेगी उस एरिया की चेंज की रेट पूछिए। तुम्हें पता है कि भाई यहां से अगर रे बिल्कुल सीधी अगर आई तो पास हो जाएगी, फिर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाए तो पास होती जाएगी, और मैक्सिमम जो है वो क्रिटिकल एंगल पे पास होगी, उसके बाद पास नहीं होगी। ठीक है, टॉप व्यू अगर देखा जाए तो पी पॉइंट के चारों तरफ ये डिस्टेंस अगर मैं आर एज्यूम कर लूं तो चारों तरफ आर आर लेंथ में मतलब पूरे पाई आर स्क्वायर एरिया से लाइट जो है वो पास होने वाली है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सी, ये आर, ये हाइट एच, तो ये भी सी हो जाएगा। तो यहां से साइन टेन सी की बात अगर हम करें तो टेन सी की वैल्यू आएगी हमारे पास आर अपॉन एच, तो आर की वैल्यू आ गई एच टेन सी, और हमें पता है साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी वन अपॉन म्यू, तो यहां से टेन सी आएगा हमारे पास वन अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। ये वैल्यू आप पुट करें तो रेडियस आ जाएगा सर्कल का एच अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। तो इस सर्कल का जो एरिया है वो एरिया ए आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो पाई एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस वन। बट हमसे ये एरिया नहीं पूछा, हमसे पूछा एरिया के चेंज होने की रेट। अब इस एरिया में अगर हम देखें तो म्यू कॉन्स्टेंट है बट जो डेप्थ जो है वो वेरिएबल है, तो इसका मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूं तो एरिया में चेंज की रेट हो जाएगी हमारे पास dA by dt इक्वल टू पाई अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस वन, एच का डिफरेंशिएशन 2h dH by dt। अब ये dH by dt जो है वो इस डेप्थ में चेंज होने की रेट है, मतलब उसकी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये इसमें सिंक कर रहा है, जो कि हमें गिवन की है v0। ठीक है, तो यहां से dA by dt कितना आ जाएगा, dA by dt आ जाएगा पाई 2 म्यू स्क्वायर माइनस वन, dH by dt की वैल्यू है v0, और इस इंस्टेंट पर h की वैल्यू गिवन कर रखी है h0, तो इस इंस्टेंट पर एरिया जो है वो इस रेट से चेंज हो रहा होगा। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है दैट वाटर विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 इन अ टैंक इज 18 सेंटीमीटर डीप। Oil of reflective index 7/4 lies on water making a convex surface of radius of curvature r equals to 6 cm as shown. Consider the oil to act as a thin lens. Object S is placed 24 cm above water surface. Location of image is x cm above the bottom of the tank then axis. मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को अपन ने यहां रखा, तो देखो ऐसा है कि पहला तो रिफ्रैक्शन जो होगा इस कर्व्ड सरफेस से होगा और दूसरा रिफ्रैक्शन जो होगा वो इस प्लेन सरफेस से होगा। दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है तो अपन दो रिफ्रैक्शन से ही बात कर लेते हैं। पहली बार में ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 7/4, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 7/4 और रेडियस ऑफ कर्वेचर है 6 सेंटीमीटर। पीछे आना सर, और डिस्टेंस जो दे रखी है एस की दैट इज 24 सेंटीमीटर। तो हमने कहा भी देखो ऐसा ये वन और ये टू, तो म्यू टू दैट इज 7/4 डिवाइडेड बाय वी माइनस में म्यू वन बाय यू, यू इज माइनस 24, दैट वैल्यू इज म्यू टू बाय म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय आर। तो वैल्यू जो यहां से आ रही है दैट इज 7/4 वी प्लस में 1/24, दिस वैल्यू इज 3/4, तो 3/4 इंटू 6, 2 times कैंसिल आउट हुआ तो 1/8। So we can write it like 7/v plus me 1/6 is equals to 1/2. 1/2 minus 1/6 that is 1/3. So v comes as 21 cm. मतलब जो curved surface है वो नीचे की तरफ 21 cm पर image बनाएगी। अब देखो दूसरा यहाँ से यदि मैं इसकी बात करता हूँ, अब ray जो है वो actually इधर वाले medium से इधर वाले इस वाले medium से इस वाले medium में enter हो रही है, और यहां से ये थिन माना इसको ना, तो मतलब लगभग 21 सेंटीमीटर नीचे, तो रे यहां से आ रही है इधर, यहां कन्वर्ज हो रही है इस वाले मीडियम में। यदि ये मीडियम नहीं होता तो 21 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज होती है यदि सेम मीडियम चल रहा होता तो, लेकिन इस वाली सरफेस पर रिफ्रेक्शन हुआ, मतलब ये तो हो गया म्यू ऑब्जेक्ट और ये हो गया म्यू ऑब्जर्वर।
तो डी एपरेंट की यदि अपन कैलकुलेशन करें, दैट इज म्यू ऑब्जेक्ट, म्यू ऑब्जर्वर, दैट इज क्या दे रखा है सर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 4/3, म्यू ऑब्जर्वर इज 4/3 डिवाइडेड बाय म्यू ऑब्जेक्ट इज 7/4 इनटू माय एक्चुअल डिस्टेंस दैट इज 21, तो वैल्यू अपने पास जो आई दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 21 इनटू 21 दैट वैल्यू कम्स एज 16 सेंटीमीटर, मतलब यहां से रेज जो है वो नीचे 16 पर कन्वर्ज करेंगी, हमारी सरफेस यहां से 18 सेंटीमीटर पर है, रेज 16 पर कन्वर्ज कर रही है, तो ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास आएगी दैट डिस्टेंस विल बी 2 सेंटीमीटर, तो वहां से 2 सेंटीमीटर नीचे कन्वर्ज करेंगे। ठीक है डियर, तो इस सेशन में हमारी तरफ से इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे 30th में वेव ऑप्टिक्स की गुरुनीति के साथ। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।